हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और मैं नया टेक का वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का टेक का टॉपिक होने वाला है नोकिया। नोकिया ने अपना नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया जिसका उसने नाम रखा है नोकिया प्योरबुक X14। ये नोकिया की तरफ से दूसरा लैपटॉप है। इसके पहले भी नोकिया ने एक लैपटॉप लॉन्च किया था जिसका उसने नाम रखा था नोकिया बुक नेट 3G, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। आप स्पेसिफिकेशन जाके नेट पर चेक कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बात बताने वाला हूँ कि जो आज ये लैपटॉप लॉन्च हो गया है, जो कल लॉन्च हो चुका है, इसमें कुछ अभी भी कॉन्स रह गए हैं जो कि काफ़ी डेल, आसुस और एचपी को दूर कर देंगे अगर आप उनके साथ जाते हैं। पर नोकिया की अलग बात है क्योंकि वो खुद में एक ब्रांड है और ब्रांड के द्वारा की गई चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो पहले मैं आपको कुछ स्पेक्ट्स बताता हूँ नोकिया के लैपटॉप के। तो शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। डिस्प्ले में 14 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है जिसका बॉडी रेशियो होने वाला है 84% का बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट की, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको इंटेल i5 10th generation का देखने को मिल जाता है जिसका ग्राफिक कार्ड होने वाला है UHD 650, जिसकी जो कि मैक्स टर्बो स्पीड में जा सकता है। 4.2 GHz की मैक्स टर्बो स्पीड वो प्रोसेसर गेन कर सकता है। पर जब आप उसको मैक्स टर्बो पे चलाएंगे तो उसकी बैटरी और टोटलिंग बढ़ जाएगी, बैटरी ड्रेनेज भी बढ़ जाएगा, टोटलिंग बढ़ जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं 10-15 मिनट बाद लैग या फिर आपको कहीं ना कहीं हल्का सा हैंग भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें और क्या दी है। तो इसमें 8GB की DDR4 रैम दी है जिसकी जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इससे कि नोकिया थोड़ा और अच्छा कर सकता था। सिर्फ 8GB रैम दी 6000 रुपीज़ प्राइस में नहीं सही है, पर एक काम और अच्छा किया कि 8GB रैम के साथ एक स्लॉट खाली है, तो अप टू 16GB रैम आप एक्सपेंड करा सकते हैं आफ्टर मार्केट से। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज की। इसमें 512 GB की NVMe SSD दी हुई है। ये अच्छी बात है कि इसमें NVMe दी है, पर इसमें फिर से एक ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक ये है कि आपको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, आपको 512 GB में ही काम चलाना पड़ सकता है। अगर आपको एक्सपेंड करनी है तो आपको अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से एक्सटर्नल SSD लेके चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। इसमें आपको एक और चीज़ दी है, बैकलाइट, जो काफ़ी अच्छी होने वाली है। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो वो मेटल होने वाला है। मेटल से ही इसके हिंज और इसके साइड्स डिज़ाइन किए गए हैं। कर्व रफ कॉर्नर है और इसमें आपको डॉल्बी विजन प्लस डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलेगा। तो जिनको इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, उनके लिए बेस्ट लैपटॉप है क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी विजन प्लस डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है। इसमें आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिलता है, ड्यूल स्पीकर है, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और बात करते हैं इसमें जैक्स की। तो इसमें 2 जैक दिए हैं 3.0 के, 1 जैक दिया है 2.0 USB का, मैं USB जैक की बात कर रहा हूँ, और USB टाइप सी एक दिया है, एक HDMI पोर्ट दिया है, एक इंटरनेट का पोर्ट दिया है। और इसमें काफ़ी कोई और प्लॉट नहीं और कोई प्लॉट नहीं है प्लॉट सॉरी प्लॉट ये गलत हो गया क्यों नहीं सही क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया गया। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि इंटेल के साथ कंबाइंड होकर इंटेल कंपनी सेल करती है, जो कि USD 650। तो गेमिंग में आपको कहीं ना कहीं लैग देखने को मिलेगा, जैसे ही वो 4.2 के मैक्स क्लॉक स्पीड में टर्बो स्पीड में जाके जाएगा तो टोटलिंग आपको देना शुरू कर देगा। तो गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है, गेमिंग के लिए जो लैपटॉप बेस्ट है वो आपके सामने आ गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं, ये आप परचेज कर लीजिएगा, ये गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है। या मैं आपको उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा, पर ये गेमर्स इसको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बजट हाई है, गेमिंग के लिए नहीं है। पर जो जिनका दूसरा काम है प्रोग्रामिंग करना या इनका इंटरटेनमेंट है या रफ यूज़ है सॉरी रफ नहीं डेली का यूज़ रहता है, सिर्फ नेट सर्फिंग की, थोड़ा सा मेल चेक किया, शेयर मार्केट चेक किया, उनके लिए बेस्ट है। स्टूडेंट्स इसके लिए जा सकते हैं, पर इसको गेमर्स अवॉइड करें। मैंने सुराज ने एक बात की थी कि नोकिया में क्या आपको ड्रॉबैक देखने को मिलता है। तो नोकिया आपको ड्रॉबैक ही देखने को मिलता है कि नोकिया के अभी ज़्यादातर जो मेट्रो स्टेशन सिटीज़ हैं वहाँ पर जो आपको उसका सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाएगा, पर जो थोड़ा इंटीरियर है, आप थोड़ा बड़ी सिटी से बाहर दूर जाते हैं, तो आपको इनका कहीं भी सर्विस सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब ये देखने की ये बात है कि आपको सर्विस कैसे मिलती है। जो बड़ी ब्रांड्स हैं, आसूस हैं, डेल है, MSI है, ये सब आपको तुरंत सर्विस ऑन द स्पॉट देते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। पर आप कमेंट करते हैं कि आपके एरिया में नोकिया का सर्विस सेंटर है, और है तो उनकी सर्विस सेंटर कैसी है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे एक ही उसका सर्विस सेंटर है जो कि सिर्फ फ़ोन की सर्विस देता है, उसने अभी टीवी की सर्विस देना शुरू नहीं किया है। तो नोकिया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है पर ये भूल जा रहा है कि मेरे को प्रोडक्ट की सर्विस देनी है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल कराने हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देना है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।